अगला जो क्वेश्चन है वो रिजोल्यूशन से रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं रिजोल्यूशन से रिलेटेड सवाल बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार पूछा गया है। मेंस में हर उस टॉपिक को टच करने की कोशिश किया गया है जिसे पहले नहीं पूछा जाता था, जो स्पेशली मेंस के लिए जो टॉपिक्स हैं वो है डिसाइडेड है। मतलब एडवांस में उनसे सवाल नहीं आते लेकिन मेंस में आते हैं, तो वैसे हर टॉपिक से सवाल इस बार मेंस में पूछा गया है। ये जो सवाल है इसमें कहा गया द अपर्चर डायमीटर ऑफ अ टेलीस्कोप इज 5 मीटर, द सेपरेशन बिटवीन द मून एंड द अर्थ इज 4 × 10⁵ किलोमीटर विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 5500 एंगस्ट्रम, द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑन द सर्फेस ऑफ मून सो दैट दे आर जस्ट रिजल्ट इज क्लोज टू, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें रिजोल्यूशन में डिफ्रैक्शन का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। क्या यूज़ होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर एक छोटा सा स्लीट हो यहाँ से लाइट जा रहा है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में, तो एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनता है ना। ये पहला वाला मिनिमा है, ये पहला मिनिमा है, ठीक। अगर इधर से देखेंगे तो ये एक्चुअली में सर्किल जैसा दिखेगा, एक्चुअली में ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर इसको मान लिया जाए रेडियस आर, ये मान लिया जाए आर, है ना, तो यहाँ पर ये कुछ एंगल बनाता है थीटा, है ना। इस थीटा को जो है अगर हम बात करें टेलीस्कोप के केस में तो ये आता है 1.22 लैम्डा बाई डी, इसको कहते हैं एंगुलर एरी डिस्क। ये इस केस में ऐसा डिस्क जैसा दिखेगा। ये एक्चुअली में क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स आसपास में रखे हों, एक सोर्स यहाँ पर है सपोज, एक सोर्स यहाँ पर है, तो हमें जो लाइट आता हुआ दिखता है वो ऐसा नहीं एग्जैक्टली यहीं से आता हुआ दिखता है, ये क्या है इसके आसपास एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। जैसा मैंने बताया यहाँ पर एक डिस्क बन रहा है, इसके आसपास भी डिस्क बनता है ऐसा, है ना, इसके आसपास भी, मतलब लाइट जो है इधर स्प्रेड हो जाता है, तो हमें लाइट पूरी यहाँ से आता हुआ दिखता है, ठीक। तो ये जो इतना छोटा सा सोर्स था ये एक्चुअली में बड़ा दिखने लगता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ब्लर टाइप का दिखता है। तो इसका जो रेडियस है ये भी कह सकते हैं, जैसा ये डिस्क बताया ना मैंने, इसी को हम लोग एक्चुअली में कहते हैं एयरी डिस्क। तो इस एयरी डिस्क का जो रेडियस है वो ऐसे डिसाइड करते हैं, ठीक। तो एक रेले क्राइटेरिया होता है रेजोल्यूशन का, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, दो पास पास में रखे हैं, तो अभी देखेंगे ये दो अलग अलग दिख रहे हैं बिल्कुल, तो अलग अलग दिखने का मतलब कि वो रिजल्व हो गए, क्लियर दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। और कई बार आपने देखा होगा जब आप कैमरा को फोकस करते हैं जूम करते हैं तो उसमें कई बार ब्लर जैसे दो अंडे जैसे दिखते हैं, है ना, दोनों जैसे कि दो स्फीयर मिक्स हो रहे हैं ऐसा कुछ दिखता है, तो वो रिजोल्व नहीं हुआ है। अगर वो स्फीयर अलग अलग दिखे, वो डिस्क अलग अलग दिखे, तो कहते हैं कि रिजोल्व हो गया है, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये जो रेले क्राइटेरिया है वो ये है कि ये जो दो ब्राइट डिस्क बनेंगे इनका जो सेंटर है, इसका सेंटर, इसका सेंटर, है ना, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक सोर्स यहाँ पर है जिसका ब्राइट डिस्क ये बना है, एक सोर्स यहाँ पर जिसका ब्राइट डिस्क ये बना है, तो इनके बीच का ये जो सेपरेशन है वो कम से कम इस थीटा के बराबर, मतलब ये एंगुलर हो गया, ये एंगुलर रेडियस हो गया, अदरवाइज रेडियस की बात करेंगे तो आर होना चाहिए, अगर ये डिस्टेंस इस ब्राइट डिस्क के रेडियस के बराबर होगा तो ये जस्ट रिजोल्व होता है। आर से बड़ा हो गया अगर ये सेपरेशन तो जो है वेल रिजल्ट हो गया, और आर से कम हो गया तो अनरिजल्ट हो गया, तो रिजोल्व नहीं दिखे, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट जैसे नहीं दिखेंगे। तो ये तो रेडियस है, या कह सकते हैं रेडियस है, तो यहाँ पर दोनों के बीच का सेपरेशन भी आर ही है। लेकिन जब हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मून है, मून सपोज बड़ा सा सरफेस है जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट रखे गए, कि यहाँ पर है कि यहाँ पर, तो इनके बीच में भी जो है वो कुछ इसी तरह से ऐसे दो डिस्क जैसे बन रहे होंगे। तो बोल रहा है कि इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन मान लेते हैं एक से, ये मिनिमम सेपरेशन कितना होना चाहिए कि यहाँ से ये अर्थ है, यहाँ से हम लोग टेलीस्कोप से देख रहे हैं, टेलीस्कोप से देखेंगे तो ये रिजोल्व जस्ट रिजोल्व दिखे, तो क्या होगा यहाँ से अगर टेलीस्कोप से देखेंगे, है ना, तो ये जो डिस्टेंस है ये मिनिमम कितना होना चाहिए,
है ना, ये जो है एक्चुअली में ये थीटा हो गया, वो जो थीटा हमने निकाला है ना, इनका रेडियस आर है, ये भी तो आर के बराबर ही होता है, तो ये कितना एंगल बनाएगा, ये एक्चुअली में ये एंगुलर रेडियस कहलाएगा, ये जो डिस्टेंस है एंगुलर रेडियस कहलाएगा ये थीटा। तो ये थीटा एक तो हम लोग वैसे निकाल सकते हैं, और एक कैसे निकाल सकते हैं, अगर अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस पता हो डी और ये एक्स पता है, तो इसको छोटा सा सर्कुलर आर्क माना जा सकता है। तो हमें पता है जो थीटा होता है वो होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। तो एक थीटा हम ऐसे निकाल सकते हैं, और एक जो है डिफ्रैक्शन पैटर्न के हिसाब से आता है, वो दोनों इक्वल होना चाहिए 1.22 लैम्डा बाई डी। तो यहाँ से अगर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाई कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी। तो ये सारे वैल्यू दिए गए हैं क्वेश्चन में, ये वैल्यू रख करके हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ये आएगा 1.22 इंटू लैम्डा, लैम्डा का जो वैल्यू है 5500 एंगस्ट्रम दिया हुआ है, तो 10^-10 मीटर में कर देंगे इसको। जो डी है दोनों के बीच का सेपरेशन ये देखेंगे दिया गया है, मून और अर्थ के बीच का सेपरेशन 4×10^5 किलोमीटर, तो इसको लिखा जाएगा 4×10^8 मीटर में, है ना, डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। कैपिटल डी जो होता है वो जो टेलीस्कोप का डायमीटर है, एपर्चर का डायमीटर वो होता है, तो वो यहाँ पर 5 मीटर दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग 5 रखेंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 53.8 मीटर। तो इसके आसपास में आप देखेंगे तो ये जो थर्ड वाला है ये इसके आसपास में ऑप्शन है, बाकी जो है बहुत दूर है, तो करेक्ट ऑप्शन हम बताएंगे कि 3 वाला करेक्ट ऑप्शन है।